नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं SPNN न्यूज। पिछले दिनों एबीपी न्यूज से पुण्य प्रसून वाजपेयी ने इस्तीफा दिया और अभिसार शर्मा को एक महीने की छुट्टी पर भेज दिया गया। इसके बाद खबरों में लगातार गली से लेकर के संसद तक इन सारी खबरों पर चर्चा हुई कि आखिरकार जो देश का चौथा लोकतंत्र का स्तंभ है उस पर किस तरीके से सरकार कुचलने का प्रयास कर रही है। और लगातार प्रसून वाजपेयी ने अपने ब्लॉग के जरिए द वायर पर बहुत कुछ लिखा और इस पर तमाम लोगों की चर्चाएं हुई। कई लोगों ने आलोचनाएं की, कई लोगों ने पत्रकारों के साथ खड़े हुए, कई लोग सरकार को कहीं ना कहीं कोस रहे थे, तो तमाम चीज़ें निकल के आई। लेकिन कई लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक सवाल था कि अगर प्रसून वाजपेयी पत्रकारिता चैनल से निकाल दिए गए हैं, अब आखिरकार वो दूसरा कदम क्या उठाने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी खबरों में, यानी कि लोगों के द्वारा या राजनीतिक जो जानकार हैं वो इन चीज़ों के लिए बता रहे हैं और कहीं ना कहीं सूत्रों के द्वारा खबरों में पता चल रहा है कि हो सकता है कि प्रसून वाजपेयी NDTV में जा सकते हैं और वहाँ NDTV में रवीश कुमार, जो पहले से कहीं ना कहीं पत्रकारिता जगत के एक धुरंधर पत्रकारों में से गिने जाते हैं, और वो और प्रसून वाजपेयी जब एक चैनल पर सरकार के विरुद्ध जो सच्चाई को सामना, यानी कि सरकार को जो आईना दिखाने का काम करेंगे, फिर क्या उथल पुथल होगी राजनीति के गलियारों में। आज हमारे साथ हमारे राशिद काशिप जी हैं, माफ कीजिए, काशिप जी हैं, और काशिप जी के साथ हम चर्चा करेंगे आखिर प्रसून वाजपेयी जो है और रवीश कुमार अगर NDTV में एक साथ खड़े हो जाते हैं, या फिर जो कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि खबरों में ये सारी चीज़ें सूत्रों के द्वारा पता चल रहा है, हम पुख्ता जानकारी आपको नहीं बता सकते हैं कि जब ये चीज़ें वास्तव में हो जाएंगी तो उसकी खबर में हम आपको बताएंगे। लेकिन जो सूत्रों के द्वारा पता चल रहा है कि आखिर प्रसून वाजपेयी अब NDTV में जा सकते हैं, तो क्या लगता है आप किस तरीके का एक माहौल देखने को? बिल्कुल, देखिए अनुज जी, लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि अभी इन सब बातों में पुख्तगी कितनी है, कितनी सच्चाई है, अभी ये बिल्कुल एक कयास ही लगाया जा रहा है कि प्रणव प्रसून वाजपेयी जो हैं वो NDTV ज्वाइन कर सकते हैं और रवीश कुमार के साथ वो एक प्रोग्राम में आ सकते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर बात रवीश कुमार की नहीं है, बात यहाँ पर प्रणव प्रसून वाजपेयी की नहीं है, बात यहाँ पर किसी चैनल की भी नहीं है, बात है कि जो सच्चाई के साथ कौन सा पत्रकार खड़ा है। पुण्य प्रसून वाजपेयी अपने जो आज तक में जब थे, जब भी वो एक किसी तरीके का काम कर रहे थे, वो हमेशा जमीन से जुड़ी, जनता से जुड़ी बातें सामने रखने की कोशिश कर रहे थे। जो जनता के सवाल थे वो लोगों से पूछ रहे थे, जो बहुत से बाबा हैं वो उनको बुरा लग गया, फिर उसके बाद वही चीज मास्टर स्ट्रोक में कर रहे थे, वो जनता की बात ला रहे थे, जनता का दर्द बता रहे थे, तो सरकार को बुरा लग गया तो उनको बाहर निकाल दिया गया। तो वही चीज बात यहाँ पर किसी इसकी नहीं है कि रवीश कुमार है, और रवीश कुमार आप देख लीजिए, रवीश कुमार हमेशा आप ऐसे जुड़े मुद्दों से बात करते हैं, बैंक कर्मचारियों, महिला कर्मचारियों की बात करते हैं, उनकी तकलीफों की बात करते हैं, जनता की दर्द की बात करते हैं। तो मामला यहां पर यह है कि जब दो लोग इस तरीके के, एक सोच के लोग एक छत के नीचे आ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है जनता की आवाज ज्यादा तेज बुलंद हो जाएगी। बिल्कुल, आपने अभी कहा कि कर्मचारियों की बात करते हैं रवीश कुमार, जनता की बात करते हैं, लेकिन लोगों का कहना है, लोग प्रोग्राम में कमेंट के जरिए, और मैं कहीं ना कहीं खबरों में पढ़ता हूँ, और जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो कहीं ना कहीं एक तबका है जो पत्रकारों का पुण्य प्रसून वाजपेयी के साथ खड़ा हुआ है। कई पत्रकार जो हैं वो कहते हैं कि जिस तरीके का प्रसून वाजपेयी है विधवा विलाप कर रहे हैं, वो शायद उनको पहले सोचना चाहिए कि जो इंटर्न आते हैं चैनल में, जो कहीं ना कहीं कर्मचारी आते हैं, क्या उनके साथ किस तरीके का चैनल में शोषण किया जाता है, क्या उनके खिलाफ कभी आवाज़ उठाने की हिम्मत की है उन्होंने। और यही चीज़ कहीं ना कहीं NDTV में जब लोग निकाले जाते हैं, NDTV में कई लोग निकाले जा रहे, अभी खबर आ रही थी कि कई लोगों 500 लोगों को निकालने की प्रोसेस चल रहा है, तो उनके घर में कहीं ना कहीं जो रोटी बंद हो जाएगी, रोजगार बंद हो जाएगा, तो उनके खिलाफ ये लोग क्यों नहीं कोई कदम उठा पाते। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल अनुज जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि देखिए, कोई भी पत्रकार हो या नेता हो या कोई भी हो, उसको हमेशा एक बैलेंस बना के चलना जरूरी होता है।
सकता है। जी अगर आप एक पॉजिटिव बात कर रहे हैं तो एक नेगेटिव भी आपको जरूरी है उसकी बतानी। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम, जैसे आपने बताया कि रवीश जी जो है वो बहुत ग्राउंड रिपोर्टिंग, जैसे मैंने आपको बताया, आपने बताया कि किस तरीके से, अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल चैनल की बात करें, वहाँ पे इंटर्न्स रखे जाते हैं, उनको काफ़ी तकलीफें होती हैं। फिर उसके बाद NDTV से ये खबरें आई कि बहुत से कर्मचारी वहाँ से छंटनी की गई, उसके बाद भी रवीश कुमार जी कुछ नहीं बोले। बिल्कुल सही बात है आपकी कि हमेशा एक पत्रकार को, खास करके रवीश कुमार जैसे पत्रकार जिनके एक बड़ी ह्यूज जो मास लेवल पे लोग उनके फॉलोअर्स हैं, तो उनको एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। और ये बिल्कुल समझने का वक्त है कि जिस तरीके से वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो किसी चैनल में कर्मचार करने वाला कर्मचारी हो, सरकारी कर्मचारी हो, प्राइवेट कर्मचारी हो, कोई भी कर्मचारी हो, उसके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, एक ही तरह से उसको मानना चाहिए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं रवीश कुमार जी यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर गए, हालांकि वो हमसे बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि सीनियर हैं, हम उन पर टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन बिल्कुल आपकी बात यहाँ पर जायज़ हो जाती है कि उनको एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। अगर वो दर्द उनका अगर बैंक कर्मचारियों के लिए निकल सकता है, तो वही दर्द उनका अपने कर्मचारियों के लिए भी छलकना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ें देखी जा रही हैं। हम सब जो पत्रकारिता जगत में आना चाहते हैं, पत्रकारिता करना चाहते हैं, जर्नलिज्म के क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं, अब उन लोगों को देखा गया है कि लोग कहते हैं कि मैं किसी चैनल में जाता हूँ तो लोग सिर्फ बैठा देते हैं, चाय मंगवाते हैं, ये करते हैं। वो सिर्फ सीखने के लिए आए हैं, आप उनको सिखा नहीं सकते, तो आप चैनल में इंटर्नशिप बंद कर दीजिए। आपकी एक तो ये है, या फिर जो कर्मचारी निकाले जा रहे हैं उन पर आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? आप एक पत्रकार हैं, आप पत्रकार की दृष्टि से अगर समाज के लिए सारी चीज़ों मुद्दों को लेकर के सामने टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं, तो आपको उनके लिए भी आनी चाहिए। लेकिन वो चैनल का मामला हो जाएगा, रोजी रोटी से बना हुआ मामला हो जाएगा, तो फिर क्या है ये सब चैनल की जो मार्केटिंग चल रही है अब, क्योंकि पत्रकारिता शायद ख़त्म हो गई, कई चीज़ है जो पत्रकारिता जो करते हैं कई लोग, लेकिन अब जो है मार्केटिंग चलने लगी। बिल्कुल देखिए अनुज जी, बिल्कुल सही बात है। देखिए पत्रकार का काम ये नहीं होता कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक सरकार की सुबह शाम जो है वो आलोचना करती रहे, और हम जो है वो भी नहीं बन सकते कि हम सिर्फ एक साइड से देखते रहें, हम पीछे हमारे क्या हो रहा है हम उसकी खबर ना लें। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर हम सरकार की आलोचना कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत से प्राइवेट संस्थान हैं जहां पर कर्मचारियों का शोषण होता है, उस पर पत्रकार नहीं बोलते हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों नहीं बोलते हैं? अब अपने ही संस्थान के, जिस तरीके से NDTV में कर्मचारियों की छटनी की गई, वहाँ पर रवीश कुमार खामोश रहे, ऐसे बहुत से प्राइवेट संस्थान हैं जहाँ कर्मचारियों का शोषण होता है, उनके वक्त को लेकर, उनके काम को लेकर। तो यहाँ पर मामला ये निकलता है कि पुणे पुरुषन वाजपेयी जैसे पत्रकार, रवीश कुमार जैसे पत्रकार अगर जनता की आवाज़ उठाते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, ज़मीन से जुड़े मुद्दे उठाते हैं, तो उनके उनको उनके भी मुद्दे उठाने चाहिए जो प्राइवेट कर्मचारी हैं, जो ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी कोई आवाज़ नहीं है, वो सुनने वाला उनकी कोई नहीं है, उनको इतना शोषण किया जाता है, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 11-11 बजे तक काम कराया जाता है, और उनको मात्र जो है वो तनख्वाह इतनी कम दी जाती है। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, मुद्दे बहुत हैं, उस पर हम जो है वो, अगर हमारे पत्रकार, ऐसे सीनियर पत्रकार अगर थोड़ा आगे बढ़कर काम करेंगे, और खास करके अब जैसे खबरें आ रही हैं कि पुणे पुरुषन वाजपेयी और रवीश कुमार अगर एक साथ आते हैं, तो मुझे लगता है कि ये कोई एक नया बदलाव लेकर आएंगे, और आने वाले वक्त में पत्रकारिता जगत हो या फिर देश के ऐसे तमाम मसले हो, वो सरकार के सामने जाने चाहिए, वो नहीं लोग कर सकते। जी अब काशिफ जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरीके से NDTV पर, हालांकि सरकार का कोई बस नहीं चल पा रहा है, अगर बस चलता तो हो सकता था कि NDTV पर भी कहीं ना कहीं सरकार, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि अगर 100-200 लोगों की मॉनिटरिंग करने वाली टीम सरकार ने लगा रखी है, वो हर चैनल पर देख रही है कि कौन प्रधानमंत्री मोदी की ज़्यादा तस्वीर चला रहा है, कौन नेगेटिव चला रहा है, कौन पॉजिटिव वे में चला रहा है, ये सारी चीज़ें 200 लोगों की टीम देख रही है। और 200 लोगों की टीम में अगर कम भी चलाई जा रही है, योजनाओं का बखान नहीं हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें नहीं चलाई जा रही, तो उस पर भी कहीं ना कहीं फोन किया जाता है। और अगर प्रधानमंत्री मोदी के नेगेटिव भी जाता है, तब भी फोन किया जा रहा है, वो मॉनिटरिंग टीम जो है पूरी तरीके से, क्या अब जो चीज़ कह, क्योंकि ये चीज़ प्रसून वाजपेयी भी कहते हैं अपने ब्लॉग के जरिए, कह रहे हैं कि अब पहले पत्रकारिता जो थी, पत्रकार जगत के मुट्ठी में सरकार हुआ करती थी, लेकिन अब तो सरकार की मुट्ठी में पत्रकारिता हो गई है।
बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि पत्रकारिता जो है वो सरकार की मुट्ठी में बिल्कुल कैद हो चुकी है। उसकी सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ी जो हम देख सकते हैं मिसाल, वो यही है पुणे पुरुषन वाजपेयी जिस तरीके से निकाला गया। देखिए पत्रकारिता के मामले साथ मामला ये है कि पत्रकारिता पत्रकार जो होते हैं वो जनता की आवाज़ होते हैं, जनता के हम लोग जो होते हैं कहीं ना कहीं आवाज़ को सरकार तक पहुँचाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जनता की आवाज़ को तो पहले ही दबा दिया गया है, अब जो बचे कुचे पत्रकार हैं जो अपनी बात उठा रहे हैं तो उनकी भी सरकार दबाने कोशिश, जैसे आप बता रहे हैं आंकड़ा कि 200 लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसी बात को लेकर कि प्रधानमंत्री मोदी की कौन कमियां बता रहा है और कौन जी अच्छाइयां बता बिल्कुल रहा पूरी है। सूचना भवन तो में बिल्कुल बिल्कुल, तो जिस तरीके से ये सारी चीजें की जा रही हैं ये लोकतंत्र के बिल्कुल खिलाफ है। लोकतंत्र में इसका कोई जगह नहीं है। भारतीय लोकतंत्र में हमेशा से आजादी दी गई है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया गया है, हमें अपनी बात रखने का आजाद, खास करके फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का, तो हमें तो अपनी बात सरकार के लिए सामने खुलकर रखनी चाहिए, सरकार से डरने की कोई जरूरत नहीं। ये भी कहा जाता है कि अभी आप खबरों या इतिहास उठा के देख ले, पिछली सरकारों में अगर सोनिया मनमोहन की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, यूपी की सरकार में कहा जाता था कि इतना ज्यादा नहीं था, उसमें ये था कि अगर वहां भी मॉनिटरिंग वहां भी चलती थी कि सरकार के पक्ष में कौन चैनल दिखा रहा है, सरकार के विपक्ष में कौन चैनल दिखा रहा है, पॉजिटिव में कौन और नेगेटिव में, ये सारी होती थी। लेकिन वहाँ अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आती थी तो सीधे तौर पर एक लेटर भेजा जाता था संपादक के लिए कि भाई आप ये चीज़ें दिखा रहे हो, ये मत दिखाइए, रिक्वेस्ट की जाती थी। लेकिन अब तो सीधा सा तानाशाही चल रहा है, कार्रवाई हो रही है कि भैया आपने क्यों नहीं दिखाया, आपने ये चीज़ें क्यों कर रही है, ये चीज़ें गलत है, चेतावनी दी जाती है कि आप ये बंद कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं इसलिए जो जो ये चुनौती है, जो ये चुनौती दे जा रही है या फिर उनके लिए इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि एक पत्रकार होता है जनता का, एक जनता के पक्ष से जाता है, सरकार को आईना दिखाने का काम करता है कि आखिर सरकार जागे, और अगर विपक्ष का एक काम करता है, अगर विपक्ष के तौर पर काम नहीं करेगा तो सरकार पर तानाशाही होता रहेगी, तो वही चीज़ उसी को कुचला जा रहा है। तो ये हम सबको कहीं ना कहीं आवाज़ उठानी पड़ेगी, हम पत्रकारिता के साथ कहीं ना कहीं जनता को भी इस आवाज़ को उठाना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ। नमस्कार। Career with us. अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।